मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सिक्किम में कर्तव्य पालन के दौरान वीरगति को प्राप्त हुए सेना के जवानों को भावभीनी श्रद्धांजलि दी है। उन्होंने जनपद मुजफ्फरनगर निवासी सेना के जवान लोकेश कुमार, जनपद उन्नाव निवासी श्याम सिंह यादव, जनपद एटा निवासी भूपेंद्र सिंह और जनपद ललितपुर निवासी चरण सिंह के शौर्य और वीरता को नमन करते हुए श्रद्धांजलि दी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के शहीद सैनिकों के परिजनों को 50-50 लाख की आर्थिक सहायता प्रदान करने की घोषणा की। उन्होंने इन शहीदों के परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने और शहीद लोकेश कुमार, श्याम सिंह यादव, भूपेंद्र सिंह तथा चरण सिंह के नाम पर उनके जनपद की एक सड़क का नामकरण करने की भी घोषणा की है।